बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्वरूप रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहाँ आने से पहले आज प्रातःकाल दो उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए, कश्मीर के अंदर एक कोटद्वार के नौजवान, एक नारायण मगढ़ चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई, मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। इसलिए मुझे ये बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूं कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में है, वो ज्यादा विस्तार से जानते हैं इस बात को, कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाई बहन, आज आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, दूरगामी सोच वाली परियोजनाओं की बात हो, या परमाणु परीक्षण जैसे साहसी कदम उठाने की बात हो, पोखरण में जो परमाणु का परीक्षण किया गया उस समय पूरे अमेरिका समेत पूरे विश्व बिरादरी का बहुत बड़ा दबाव भारत की सरकार पर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर था। लेकिन अटल जी ने कहा कि मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यह मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया, उसी के कारण आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। शिक्षा, संचार, सॉफ्टवेयर, तकनीकी के क्षेत्र में अटल जी ने भारत में उसका लोहा मनवाया। विकास की चेतना को जागृत करने का काम भी उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से किया। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता अटल जी के जीवन दर्शन था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले वर्षों तक याद किए जाते रहेंगे। अटल जी के अंत्योदय को कार्य रूप देने का हमेशा से जो काम था उन्होंने अपनी सरकार के समय प्रमुखता से रखा। गरीब और वंचित वर्ग के लिए चिंतित व सक्रिय रहने का काम किया। उन्होंने राष्ट्र धर्म को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रखा। सामाजिक समरसता के प्रति वो तन मन से समर्पित रहे। जनसेवा के एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जो दिया उसका व्याख्यान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यहां से जितनी भी बात कही जाए वो बहुत कम है। सुशासन तो एक उसका आयाम मात्र है। आदरणीय अटल जी का जो सार्वजनिक जीवन वो एक पाठशाला है। उनके विचारों ने मुझे भी जनसेवा में आने के लिए प्रेरित किया। भाइयों बहनों, अटल जी व उत्तराखंड का एक दिव्य रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता। वास्तव में अटल जी प्रधानमंत्री न होते तो शायद हम अलग उत्तराखंड राज्य में न होते। अटल जी की देन है कि अलग उत्तराखंड राज्य बना।
इस नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के निर्माता के रूप में अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए, अटल जी के कर्म पथ पर चलते हुए जनसेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल जी से चूंकि बहुत नजदीक जाकर उनके साथ काम करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अटल जी के लखनऊ से वो सांसद हुए, लखनऊ उनका निर्वाचन क्षेत्र था, इसलिए लखनऊ में मैं अपनी पढ़ाई के दौरान उनके तीन संसदीय चुनाव में 1996 में, 1998 में और 99 में बहुत नजदीक से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि उन दिनों जब हम पढ़ते थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उनकी जो जनसभाएं होती थी या उनके चुनाव के जो प्रचार इत्यादि का काम होता था उसमें हमारी भी टीम को, हम सब विद्यार्थियों को भी उस टीम में जोड़ा जाता था, उस टीम में लगाया जाता था और कई स्थानों पर जनसभाओं के साथ साथ व्यवस्था के काम को भी करने का दायित्व सौंपा जाता था। एक प्रकार से देखा जाए तो छात्र राजनीति के साथ साथ विधायी और संसदीय राजनीति को करीब से जानने का, समझने का अवसर मुझे अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व के सानिध्य में प्राप्त हुआ। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अटल जी का निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ था और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, छात्र राजनीति में काम करता था, इस नाते बहुत नजदीक से उनको देखने का, सुनने का और उनके द्वारा जो प्रखर वक्ता के रूप में अनेकों बार कम लोगों के बीच में भी ठीक से अपनी बात कैसे रखी जाती है, ये अटल जी से सीखने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार श्रद्धेय अटल जी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार अहर्निशम सेवा मेह के मंत्र पर चलते हुए निरंतर राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चहुमुखी विकास के लिए काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो सारे काम हो रहे हैं, चाहे आज हम सड़कों की बात करें, चाहे हम दूर संचार की बात करें, या हम डिजिटल सेवा की बात करें, या हमारी मातृशक्ति के लिए, चाहे आज लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, या मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, या नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद के अंदर पास हुआ है, अभी अभी विधेयक बनकर हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलने वाला है, सभी चीजों ये सारे के सारे काम अटल जी ने जिनको शुरू किया था, अटल जी ने जिन कामों को शुरुआत की थी, उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम, उन सभी कामों को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जिस गरीब कल्याण की बात आज बहुत तेजी से, जिसके बारे में अभी अजय भट्ट जी ने कहा, उससे पहले गणेश जोशी जी ने भी कहा, कुछ अजय जी ने भी कहा कि आज उन सभी कामों को समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक शासन पहुंचाने का काम, सरकार की सेवाएं पहुंचाने का काम, ये सारा का सारा काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। आज अटल जी ने जो हमारे अंदर एक सोच रखी अपनी सरकार के समय में, भारत को दुनिया के सामने खड़ा करने का प्रयास किया, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम आज दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक कालखंड था बड़े बड़े विश्व के मंचों पर भारत की सरकार के प्रतिनिधि भारत की बात ही नहीं कर पाते थे, हमारे जो हितों की बातें होती थी, जो हमारे लिए होना चाहिए उसको भी नहीं मनवा पाते थे, विश्व मंचों पर चुपचाप बैठे रहते थे, कोई उनकी बात को गंभीरता से सुनता ही नहीं था।
आज विश्व के अंदर अगर कोई भी प्रमुख घटना होती है तो पूरी दुनिया के लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। ये नया भारत बनाने का काम, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी ने देखा हम लगातार आज अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। अभी अभी चाहे उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और उस समिट में 50 से भी ज्यादा दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर काम करने की इच्छा प्रकट की। उसके पीछे भी अगर किसी का योगदान रहा है, एक बड़ी भूमिका रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमारा राज्य बनाया था, राज्य बनाने के साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के लिए उद्योगों के क्षेत्र में जो विशेष हमको पैकेज दिया था, उस पैकेज के कारण से लोग उस समय आए थे। वो प्रक्रिया आगे चली थी, बीच के वर्षों में वो प्रक्रिया रुक गई क्योंकि केंद्र में 10 सालों के लिए यूपीए की सरकार आ गई थी। आप सभी जानते हैं मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके पीछे रिमोट से सरकार चलाने का काम दूसरे लोग करते थे। उन सरकारों के समय में विकास रुक गया, उत्तराखंड का भी जो औद्योगिकरण था वो रुक गया। उसको आगे बढ़ाने का काम, अटल जी की उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हमने फिर से प्रारंभ किया है और यही इन्वेस्टर समिट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हमने देहरादून में आयोजित की थी, जिसमें बड़ी संख्या में 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हमको निवेशकों के साथ सीधे सीधे करार हुए हैं। अन्य हमको बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और जल्दी ही उनको हम धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं, हमने शुरू भी कर दिया है। लेकिन उसमें हमने जो प्रमुखता से एक चीज रखी है, हम उन्हीं को प्राथमिकता देने वाले हैं, उन्हीं उद्योग समूह को अपने यहाँ लाने के लिए हर संभव हम उनको जितनी प्रकार की सुविधाएं हो सकती हैं, जितना उनके लिए सरलीकरण हो सकता है, जितना ईज ऑफ डूइंग के काम हो सकते हैं, हम उनके लिए करने वाले हैं। जो हमारे यहाँ पर हमारे प्रदेश के अंदर नौजवानों को, युवाओं को, हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे भाई बहन हैं, जो स्किल्ड हैं और नॉन स्किल्ड भी हैं, उन सभी को जो प्राथमिकता से रोजगार देने का काम करेंगे, जो अधिकतम रोजगार सृजन का काम करेंगे, हम उन्हें सबको देने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने देखा सिलगरिया टनल का जो सफल रेस्क्यू अभियान चला, उस रेस्क्यू अभियान में भी हमको हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्र की सरकार का, सभी एजेंसियों का भरपूर सहयोग मिला और विशेष रूप से हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा हुई, उस क्षेत्र के बाबा बोकनाथ की कृपा हुई, उनके आशीर्वाद से हमारे 41 मजदूर भाई केवल बाहरी नहीं निकले बल्कि स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ वो बाहर निकले। जब हमने उनका परीक्षण करवाया, पहले उत्तरकाशी में जिनियाली सोड़ के अस्पताल में और उसके बाद ऋषिकेश के एम्स में सबका पूरा माइन्यूट एकदम स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया गया, सारे के सारे पूरे स्वस्थ होकर बाहर निकले। ये बड़ी भगवान की कृपा थी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भव्य और दिव्य भारत को बनते हुए देख पा रहे हैं। ये सब हम सब का सौभाग्य है कि हमारे पास आज जो अटल जी ने जिस सोच को रखा था, उस सोच को धरातल पर उतारने का काम, विश्व के मानचित्र में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए काम ना हो रहा हो, हर वर्ग को, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए काम हो रहा है, गरीब किसान के लिए काम हो रहा है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए काम हो रहा है और देश के अंदर अंत्योदय का जो सिद्धांत है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उन सभी के लिए योजनाएं लाई जा रही है। पहले और आज में जो अंतर है, पहले के समय में योजनाएं बनती थी, पहले ही सरकार का वही पैसा चलता था। मैं जो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जिस आदमी में 1 रुपया आता है उसके पास 10 पैसा पहुंचता है, यानी कि 90 पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है, 10% का केवल लाभ मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने DBT के माध्यम से, डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से अनेकों माध्यम जो चले हैं, आज छोटा छोटा सब्जी बेचने वाला हो, कोई फल बेचने वाला हो, चाय की दुकान चलाने वाला हो, वो सारे के सारे सीधे सीधे डिजिटल ट्रांजेक्शन करवाते हैं।
आज दुनिया के जो 40% से भी अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन कहीं होता है तो हमारे भारत के अंदर हो रहा है। यह सोच अटल जी ने शुरू की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारा जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने हेतु उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबके समर्थन से हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसा आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ स्वर्गीय अटल जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको आज सदे अटल जी का यहाँ पर बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगी है, बहुत ही भव्य दिव्य प्रतिमा, और साथ में अटल पार्क भी बना है। मैं आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और हमारे संयोजक जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।